सभी दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। और जैसा कि झारखंड पीजीटी में हम लोग ये 25 तक क्वेश्चन किए थे, इससे पहले मैंने आपको वीडियो भी डाली थी, 25 क्वेश्चन की वीडियो आपको डाल करके दी थी, शायद आपको याद होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से चल लेते हैं। द क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फोटो केमिस्ट्री वॉज इनिशिएटेड। तो सबसे पहला काम तो भाई एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भेजिए भूलिएगा, और कमेंट भेजते रहिएगा जिससे हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे। जैसा कि आपके लगातार क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्वेश्चन का लेवल भी लगातार इम्प्रूव करके दे रहा हूँ। द क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फोटो केमिस्ट्री वॉज इनिशिएटेड बाई, तो आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आइंस्टीन और स्टार्क ने भी एक लॉ दिया था, लेकिन आइंस्टीन स्टार्क ने फोटो केमिस्ट्री की क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं दी थी। जो ग्रोथस और ड्रैपर थे, इन्होंने ही एक लॉ दिया था, यानी कि कैलकुलेशन कैसे होती, कितना अमाउंट है हीट का, क्वांटम यील्ड का जो कंसेप्ट निकाल करके लाए थे, वो ग्रोथस और ड्रैपर की ही देन थी। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर हम लोग इसको क्वांटिटेटिवली कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें नाम ग्रोथस और ड्रैपर का ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर ये चीज़ आती है कि फोटो केमिस्ट्री के फिनोमिना किसने दिए थे, फोटो केमिस्ट्री के बारे में किसने दिया था, तो दोनों जानकारी दे लो कि एक तो लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री था, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ जो फोटो केमिकल का था वो इक्विवेलेंस का लॉ था, और ग्रोथस ड्रैपर ने इसको ये बताया था कि मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ ओनली द एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन दैट आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग द केमिकल रिएक्शन, ये ग्रोथस और ड्रैपर का लॉ था। तो मेरे हिसाब से फिर आंसर इसका यही होना चाहिए, ग्रोथस एंड ड्रैपर, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। जबकि स्टार्क आइंस्टीन ने ये बोला था 1905 में, बोला था कि अगर स्टार्क आइंस्टीन लॉ को देखोगे तो फोटो लॉ, फोटो केमिकल इक्विवेलेंस भी इसको बोला जाता है, और इन्होंने बोला था कि इन ए फोटो केमिकल रिएक्शन ईच मॉलिक्यूल फॉर द रिएक्टिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब अ सिंगल फोटोन ऑफ द रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉजिंग द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन टू द प्रोडक्ट, ये इन्होंने बोला था। तो फिर मैं फिलहाल यही आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो आंसर टिक है वो आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, ग्रोथस एंड ड्रैपर ही यहाँ पर आना चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर आपको यहीं से दिखा देता हूँ, तो एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि ये क्वांटिटेटिव तो है नेचर में, मतलब ये अंडरलाइन है, अगर आप चाहो तो बहलतुली की किताब में देख सकते हो, ये प्योरली क्वांटिटेटिव है, लेकिन कोई आइडिया नहीं देता एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन और अंडरगोइंग मॉलिक्यूल, जितना एब्जॉर्ब रेडिएशन में कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए, ये कोई आइडिया नहीं देता, ये इसका ड्रॉबैक भी आपको मैं समझा देता हूँ। और दूसरी चीज़, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू ट्रांस हाइड्रोक्सीलेशन। तो अनुज सर की अगर आपने वीडियो देखी है कि ट्रांस हाइड्रोक्सीलेशन में ये सब जितने भी हैं, ये सिस प्रोडक्ट बनते हैं, ऑस्मियम और केमनोफोर्स, इससे सब सिस बनते हैं, जबकि परबेंजोइक एसिड जब भी लगा होता है तो उसी से बनता है आपका ट्रांस। तो ध्यान दीजिए कि मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड फाइड्रोड बाई हाइड्रोलिसिस से ही आपका ट्रांस हाइड्रोक्सीलेशन होता है एल्कीन का। ऑस्मियम और केमनोफोर से सिस होता है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए जो आंसर लिखे इन पर भरोसा ना करके आप एक्सप्लेनेशन पर भरोसा करिए, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। तो यहाँ लिखा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में बी होल नंबर वाइल जीरो इन फ्रैक्शन, वेयर एज द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपको बता रहा हूँ, तो अगर साथ बने रहोगे तो 54-55 तक ले जाऊंगा, फिर थोड़े डाल दूंगा, ऐसे कंटिन्यू रखूंगा। कमेंट डाल देना भरपूर तो वीडियो पूरी कर दूंगा, और कमेंट नहीं डाले, कंजूसी कर गए, तो फिर अनु शर्मा भी समझेंगे कि चलो यार ठीक है, जब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या बनता है। तो आशीर्वाद लीजिए, मेरा सिलेक्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रेशन, ये यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था 2021 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, जिससे कि आपकी दिल की आत्मा ये ना कहे कि सर मुझे दिख नहीं रहा है।
तो दिखना पूरा चाहिए भाई साहब, आपको दिखना पूरा चाहिए, है। चलिए अब इसके बाद जूम इन भी करना पड़ेगा, कारण ये कि आगे बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं सी के सीरीज में। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले भैया रुक जाओ, पेज पेज रुकने मना करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो H2SO4 100% जो है वो एक एसिड है, लेकिन HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है। यही क्वेश्चन आया था UPPGT में भी आया था, तो आंसर इसका अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो H2SO4 किसकी तरह बिहेव करता है, H2SO4 जो है वो एसिड की तरह और HNO3 एक बेस की तरह करता है। अब आप बताओगे सर कैसे करता है क्वेश्चन, भाई आंसर तो इसमें भी टिक है, लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा H2SO4 को अगर हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट HNO3 से कराते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है भाई, ये बेस है, जब ये बेस है तो करता क्या, कैसे करता है, तो एक चीज आप ध्यान दो, अगर इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करो तो ये OH और NO2 में ब्रेक, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये एक H को ले लेता है, और जब ये H को ले लेता है तो ये H2O बना लेता है और ये NO2 पॉजिटिव बन जाता है। तो मतलब पहले अगर ये इसको H को लेता होगा तो पहले H2NO3 बनाता होगा, ये H पॉजिटिव लेता है तो ये बेस हो गया, और ये H पॉजिटिव देता है तो ये एसिड हो गया। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं इसको पूरी तरीके से आपको ये बताऊं कि आखिरकार ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटो केमिकल रिएक्शन ऑफ ए हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज टू, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं फार्मूले की बात करता हूँ तो फाइ इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब, और है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अब आप जानते हो इसको अगर आप देखो तो मोल्स है, तो यानी कि 6 1 मोल में 6.022 × 10⁻²³ होता है, तो 0.0001 में ये 3 पावर हटा दो तो 6 × 10⁻²० मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वैल्यू हो जाएगी, इसे पहले से लिखा था इसे मिटा देता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, तो ये हो गया आपका, और ये 2 दिया हुआ है ना, क्वांटम यील्ड 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए हुए हैं, ये दिए हैं आपके, ये आपका दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हुआ 6 × 10⁻²० अब नंबर ऑफ फोटोन आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटोन आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना बना, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू हो गया 6 × 10⁻²० डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये आ गया आपका 3 वाला आंसर आ गया 3 × 10⁻²० तो इस तरीके से पेपर को सॉल्व करिएगा, स्पीड मेंटेन रखिएगा, 100% आपका पेपर पूरा सॉल्व होगा। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट हैव द नोडल प्लेन, तो आपको पता होना चाहिए कि एस में जो होता है, एस में कोई नोडल नहीं, नोडल प्लेन नहीं होता है, यानी कि एन माइनस एल माइनस वन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाती है वैल्यू, तो एस ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिए। नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, तो ऐसा कोई एरिया इसमें होता ही नहीं है। अगर मैं स्फेरिकल जैसे ये बनाता हूँ, यहाँ पर ये बनाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक नोडल प्लेन साफ दिखाई देता है, जबकि एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, कोई भी नोडल प्लेन नहीं। नोडल प्लेन एक्चुअल में है क्या, वो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, और यहाँ पर ऐसा कोई एरिया दिखाई ही नहीं देता है, तो इसका मतलब हुआ कि आंसर हमें एस ऑर्बिटल लगा लेना चाहिए, एस ऑर्बिटल लगा लेना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चल लेते हैं, इसके बाद चलते हैं, एट व्हाट टेम्परेचर डज द रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट बिकम इक्वल, रिएक्शन रेट इक्वल टू द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के जो है ए के बराबर हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ यहाँ के ए के बराबर तब कर सकते हो जब आप टी की वैल्यू इनफाइनाइट कर दो, जब टी इनफाइनाइट कर दोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू वन के, ई जो है वन के बराबर हो जाएगा, और वन मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो इसका मतलब है इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए के बराबर, या जेड मान सकते हो यहाँ पर, जेड के इज इक्वल टू आप जेड भी लिख सकते हो, ए नहीं लिखो तो, ये इसमें हाई टेम्परेचर पर ही होगा, लो पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है,
ठीक है, वेरी हाई इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? भाई SN1 रिएक्शन हमेशा 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं, और 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड अगर देखोगे तो पहले यहाँ जितनी जल्दी ये ग्रुप छोड़ देगा उतनी जल्दी तो रिएक्शन होगा। तो अब मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, ये हमारे पास में Br है और ये हमारे पास में आई है, देख लेना आंसर एकदम फट से आएगा। अब यहाँ बताइए बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये आई बहुत जल्दी निकलेगा ना, तो इसका मतलब है द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच। पहले पहले तो स्टेप यही होती है ना, पहली स्टेप यही होती है कि अगर यहाँ पर एक्स लिया जाए तो पहले ये कार्बोकैटाइन बनाए, तो कार्बोकैटाइन पहले बनेगा तभी तो नेक्स्ट स्टेप में जाके न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब है फिर आंसर द लिविंग ग्रुप डिपार्ट बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड टूवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर मैंने बैथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक ये सब चीज़ें अपने बैच में पढ़ाई थी, अपने बैच में आपको टोटली डिटेल में पढ़ाई थी, ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई कंजूसी कहीं पर से की होगी इनको पढ़ाने में। तो आप नोट कर पाओगे कि इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ, एक होता है जैसे देखो मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़े हुए टर्म की याद दिला देता हूँ आपको। एक क्रोमोफोर होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं? ये वो स्ट्रक्चरल ग्रुप होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड जैसे लगा हो, NO NO ये सब लगे हो, तो यहाँ पर क्रोमोफोर तो टुवर्ड द लोअर फ्रिक्वेंसी तो ये है नहीं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है? तो जब लैम्डा मैक्सिमम किसी भी कंपाउंड का जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है तो बैथोक्रोमिक हो जाता है ना। लॉन्गर वेवलेंथ, अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम हो जाएगी ना, तो ये बैथोक्रोमिक हो गया। ऑक्सोक्रोमिक क्या होता है? भाई ऑक्सो इसमें दिया नहीं, हिप्सो दिया है, चलो वो बता देता हूँ। हिप्सोक्रोमिक का मतलब लैम्डा एम कंपाउंड का जो शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर का मतलब हो गया कि हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ लोअर फ्रीक्वेंसी में फिर बैथोक्रोमिक ही जवाब हमारा एक्यूरेट आ रहा है। और हिपोक्रोमिक होता है या हाइपोक्रोमिक अगर बोलोगे तो यहाँ पर आपको ये भी बोले कि जब कंपाउंड जो है दूसरे के कंपाउंड के रिस्पेक्ट में है ना, रिस्पेक्ट में ये हमें जानकारी दे दे कि वो कंपाउंड क्या है, तो सेम हाइपोक्रोमिक बोलते हैं, है ना। लोअर वैल्यू दे तब ये बोला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें जानकारी में आपको रहनी चाहिए और यही पूछा भी जाता है, यही पूछा भी जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ लीजिएगा मेरी फोटो केमिस्ट्री जो मैंने पढ़ाई है और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है, उनमें हर चीज़ बताई है। जिन लोगों ने फुल बैच ज्वाइन किए हैं उनको जानकारी पूरी मिलेगी, ऐसा नहीं कोई भी जानकारी काटी जाएगी। वुडवर्ड रूल क्या कहता है? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वुडवर्ड रूल ये भी इसी का है, तो वुडवर्ड रूल को जान लो अभी आप फटाफट जान लो। IR स्पेक्ट्रम में वुडवर्ड रूल चलता है, और IR स्पेक्ट्रम में जब वुडवर्ड रूल चलता है तो उस वुडवर्ड रूल में ये बताया गया है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी। ये तो अल्ट्रावायलेट हो गया, और अल्ट्रावायलेट के बाद वुडवर्ड रूल को सुन लो कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वुडवर्ड रूल कहता क्या है, तो वुडवर्ड रूल के अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो बेसिक लैम्डा मैक्स कॉन्जुगेटेड डाइन का 217 होता है ना, और उसके बाद 5i जोड़ते चलते हैं तो ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन अगर पूरा डिटेल में जानोगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन के बारे में जानोगे, तो बेसिक वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन फॉर द 5-मेंबर्ड रिंग, यानी कि 5 अल्फा, भाई यही तो है, इन्होंने ही तो पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आप देख लेना, ये वर्ड आपको किताब में मिल जाएगा, ये मॉरिशन वाइड में भी दिया हुआ है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन के लिए जो वैल्यू नोट करनी है 5 मेंबर्ड रिंग की अल्फा बीटा कीटोन, तो ये फिर इनोन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ फिर ये 202 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, 202। और अगर आपसे पूछा जाए कि असाइक्लिक कीटोन है तो 215 याद रखिए, ये असाइक्लिक कीटोन की वैल्यू है। अगर आपको मैं वैल्यू के बारे में जानकारी दे दूं तो ये असाइक्लिक कीटोन की वैल्यू है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड में, ये जो बेसिक वैल्यू मानी जाती है ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड नोट कर लो कहीं पर, 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है ये, 5 मेंबर्ड रिंग की, और इसमें कीटोन भी होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन का होगा। और 207 वैल्यू जो है वो एल्डिहाइड की है,
ये वाली वैल्यू आपकी एल्डिहाइड की वैल्यू है, और 214 तो आपको बड़ा फेमस वैल्यू हो पता ही है, 214 जो है सिक्स मेंबर्ड रिंग की वैल्यू होती है, और ये 214 वैल्यू हेट्रो की, हाँ हेट्रो की होती है, हेट्रो न्यूक्लियर डाइईन की होती है, और ये सिक्स मेंबर्ड हेट्रो न्यूक्लियर डाइईन की वैल्यू, मैंने सब वैल्यू बता दी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पेपर बता रहा हूँ, इसलिए पूरा साथ दीजिए मुझे, और यही साथ अगर आपको मुझे दिखाई देता रहा तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इसका मतलब ये था कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेता हूँ कि अमंग द फॉलोइंग विच इज़ इन करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कह रहा है कि स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपको बताता हूँ कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्चुअल में एच एफ का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, एच ओ का उससे वीक होता है, और सबसे वीक होता है एन एच का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ, यही वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट की कैटेगरी में जा रहा है। तो इसको आप फट से इनकरेक्ट की स्टेटमेंट लगा लीजिए। एक एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, इसलिए आपको मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्ट्रांगली डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। तो आपको पता होना चाहिए, आर्थो मेटा डायरेक्टिंग है ये भी, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये भी, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये भी, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग है जो डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे घटेगी, तो एक पहला स्ट्रक्चर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, पहला स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एन डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एन, यहाँ पर ओ हो जाएगा, और इस तरीके से ये कंडीशन आपकी पैदा होगी कि बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद इसके रेजोनेंस बनेंगे। इसके बाद चल लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसाइलियम आयन जो है एन, तो ये बात आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसाइलियम आयन फॉर्मड इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो अब आपको बताऊंगा, तो भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होगी, पहले तो ये आप जानिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे की बातें करें। देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है कि अगर मैं यहाँ बेंजीन ले लेता हूँ, और बेंजीन में यहाँ पर मैं CH3COCl ले लेता हूँ, CH3COCl ले लेता हूँ, और इसकी AlCl3 एनहाइड्रस से रिएक्शन कराता हूँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ये बनता होगा, प्रोडक्ट आपका ये CO हो गया, एसिटोफिनोन बन जाता है, और साथ में निकलता है HCl। लेकिन ये AlCl3 जो है लुईस एसिड है, और ये लुईस एसिड जब रिएक्शन करता है CH3COCl से, तो ये इससे जुड़ेगा और बनाएगा आपका CH3CO पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाता है आपका CO पॉजिटिव आ गया, और साथ में निकला आपका AlCl4 नेगेटिव। तो अब ये एक्चुअल में तो यही होना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है वो ये आना चाहिए। देखो ध्यान से, अब आपको दिखाता हूँ, देखो इसका आंसर में थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। ये हमारे पास में CH3 हो गया, ये आपका C हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसके ऊपर, एक दो दो चार, दो चार बचेंगे ना, तो यहाँ पर आप चार इस तरीके से दिखा दो, चार हो गए, चार बना लो, कंडीशन आखिरकार ऐसे दिखाई क्यों उन्होंने, ये चार हो गए। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भेज देता हूँ, तो ये कंडीशन रेजोनेंस बन जाएगा, यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पर आ गया पॉजिटिव। तो इसका रेजोनेंस दिया गया एक्चुअली में जो कंपाउंड है, इसीलिए इसमें गलती होने के चांस बहुत सारे लोगों के हुए होंगे, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत इसीलिए हुआ होगा। इसके बाद बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने खूब ढंग से आपको फोटोकेमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन दिया था, जेबलोनिस्की डायग्राम जो था, है ना, जेबलोनिस्की डायग्राम में आपको बताया भी था कि आखिरकार कौन सा होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात कर दी है इन्होंने, तो जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि फ्लोरिसेंस जहाँ पर भी होगा,
हमेशा फ्लोरिसेंस में जो होगा वो S1 से आपका S0 पर जाएगा। तो पहले मैं फ्लोरिसेंस ही मिला लेता हूँ, तो फ्लोरिसेंस हो गया आपका C, और C का आपका मिलता है 4th। तो यहाँ पर C में 4th केवल एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, ये वाला। चलिए अब D भी मिला लेते हैं। अगर हम D को देखना चाहें तो D में हमेशा जो ट्रांजिशन होता है वो D में ट्रांजिशन जो होता है वो यहाँ लिख देता हूँ फॉस्फोरिसेंस, वो हमेशा ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाता है ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मतलब ये हो गया। अब मुझे दो मिला लेता हूँ, बाकी ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे। डी का थर्ड है तो डी का थर्ड भी यही हो गया, बाकी बी का फर्स्ट हो गया। इंटर क्रॉसिंग सिस्टम तो आपको पता ही होगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC जो होता है वो किसी भी स्टेट से, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट 0 से लेकर के कहीं पर भी, इसी पूरे को इंटर इलेक्ट्रॉनिक या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC बोला जाता है। ISC होता है, एक IC होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये ऑप्शन अब एग्जैक्ट हो जाता है जो यहाँ पर फोर्थ दिया हुआ। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे चेंज रहता है, उसी को हम लोग एनोमर बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन पे एक, अगर आपको नोट करा होगा तो एक में एच इधर होता है, एक में OH इधर होता है, और बीटा वाले में OH इधर हो जाएगा और एच इधर हो जाएगा, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो जाता है और ये आपका बीटा डी ग्लूकोज हो जाता है। तो ये एनोमर्स कहलाते हैं, एक दूसरे के कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंस आ जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। अब आप साथ कितना दे पाते हैं, अगर आपने 50 के मुझे हर क्वेश्चन पर कमेंट डाला तो अगले 50 दूसरे ही दिन डाल दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरोआइसोमर्स 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, तो ये मैं बना लेता हूँ 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन बना लेता हूँ। 2,3 यहाँ पर C2H5 लगा लूँ और यहाँ पर मैं 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, तो डाइब्रोमो मतलब ऊपर लगाना पड़ेगा CH3, तब बनेगा हमारा। तो यहाँ C ले लेता हूँ, यहाँ C, और यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, यहाँ पर भी ले लेता हूँ CH3, यहाँ पर H लगा देता हूँ, यहाँ पर भी H लगा देता हूँ, यहाँ BR दिया, यहाँ पर भी BR दिया, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन हो गया। फॉर्म बाई एडिशन ऑफ द BR2 बाई ट्रांसब्यूट टू इन, तो इसका मतलब है ये मीजो आइसोमर बन गया। ये दिख ही रहा है, साफ ही मैंने बना ही दिया है BR2, है ना। एडिशन ऑफ BR2 टू ट्रांस टू ब्यूट इन, है ना। ब्यूटीन अगर ट्रांस में गए तो फिर आपका मीजो कंपाउंड, ट्रांस में हमेशा मीजो बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मीजो आइसोमर प्राप्त होगा यहाँ पर। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में चलते हैं। हकल्स का रूल क्या कहता है, हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये सब बात बताएगा। लेकिन ये एरोमेटिक को एक्सप्लेनेशन देता है, मेनली एरोमेटिक को एक्सप्लेनेशन ये देगा। 4n+ रूल हो जाता तब तो हम बात करते कि सर ये एंटी एरोमेटिक हो गया, लेकिन ये हकल्स रूल जो है वो एरोमेटिक को एक्सप्लेनेशन देता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल आयन मेटल आयन इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड K3, सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर निकाल लो तो आपका 2 ये हो गया, और ये डाई मतलब बाइडेंटेट है तो 4 गिने जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपका ये हो गया 2 और 2 4 हो जाता है। इसमें आ जाइए, इसमें साफ से 6 दिखाई दे रहा है, 6 ही यूनिडेंटेड लिगेंट है, तो इसका मतलब 4 6 4 6। तो ये पहला ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट है। पेपर जितना टफ आपको दिखाई देता है उतना टफ होता नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग अगर हमें कमेंट करके दोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 100 क्वेश्चन में दूसरे ही दिन डाल दूंगा। द प्रिपेयर रबर रबर बैंड टू प्रिपेयर रबर बैंड्स एंड ट्यूब यूज इन टायर्स, सल्फर इज यूज इन द वल्कनाइजेशन, तो लगभग 2% के आसपास होता है, और 2% का ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, केवल ये दिया है 1-3%। तो लगभग 2 से 2.5% तक ऑप्शन रहता है, तो वही 1 से 3% के बीच में वेरिएशन दिया है, वही एक्यूरेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, तो जहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, डेल जी जो होती है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होगा वो प्रेशर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो लेस देन 0 ही आएगा, 0 से कम, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो जानी चाहिए तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। भाई डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब है डेल जी लेस देन 0 हो जाए तभी तो नेगेटिव की कंडीशन आई। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है जनाब, ये बात ध्यान दीजिए, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान दें, है ना। इसके बाद चलिए, अ
अगर मैं कहता हूं कि 8 ग्राम ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का 2.303 एन आर टी। की बात करूं तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर यानी कि W इज इक्वल टू होता है माइनस 2.303 एन आर टी। अब एन आर टी का मतलब है यहाँ नेचुरल लॉग के टर्म में अगर आपको दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से फिर वैसे तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एन आर टी लॉग लॉग वी टू अपॉन वी वन का मतलब हुआ फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब इसको वी एफ अपॉन वी आई भी लिख सकते हैं। तो ये बात तो तय हो गई कि यहाँ पर वी एफ अपॉन वी आई के टर्म में ही दिया है, तो ठीक है। लेकिन इस वैल्यू को कितने मोल दिया है, देखिए 8 ग्राम ऑफ मोनो एटॉमिक एटॉमिक वेट दिया है, तो यानी कि 2 हो गया ना। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर एन एन की वैल्यू जो है वो आप रख लीजिए 2, और एन की वैल्यू 2 रखने के बाद दिया आइसोथर्मली रिवर्सिबली बिफोर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के टर्म है तो माइनस की वैल्यू रखिए और माइनस के साथ में रखिए नंबर ऑफ मोल रख लीजिए। यहाँ पर एन आर नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आप एन की वैल्यू तो 2 हो जाती है क्योंकि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 8/4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसके बाद आर की वैल्यू 8.314 है, एनर्जी का टर्म है 8.314 रख लीजिए, तो इसमें ये हो गया। और टेम्परेचर आपका हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर एक चीज खास बात दे रखी है, नीचे बहुत नोट करने वाली बात है कि व्हेन 8 ग्राम ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एटॉमिक एक्सपेंड आइसोथर्मली इन रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम वी वन एंड टेम्परेचर द वर्क डन बाई द प्रोसेस। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, ये हर जगह 1 एटमोसफियर दिया, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 ATM आप इसे ले लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं 1 एटमोसफियर तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपको बार में भी रखनी, तो 1.01 रखनी पड़ेगी। इसका मतलब है यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर लीजिए तो माइनस का 2 × 300 हो गया, नेचुरल लॉग का टर्म ले लीजिए तो ये 2.303 और लॉग हट जाएगा, वी एफ अपॉन वी आई ले लीजिए, तो यानी कि पहला आंसर बिल्कुल सही इन्होंने टिक करवाया है। तो इसी तरीके से सीरीज़ पूरी मैं करवा रहा हूँ, बस आपका ये ख्याल रखना है अगर क्वेश्चन पूरे 150 चाहिए कि सर 150 के 150 सॉल्व करके दे दीजिए, तो सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से कमेंट डाल दीजिए कस के, मैं डाल दूंगा इस पर पूरे क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द ऑक्सीजन इज 100 एट 0.2 लीटर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि पी वी आइडियल गैस जेड दे रखा है, तो आपको पता है कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी अपॉन आर टी, यही तो एक फैक्टर होता है ना। तो अब आइडियल गैस का यानी कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ऑक्सीजन का ये दिया हुआ है इज, तो ऑक्सीजन की द वैल्यू आपका, अच्छा ऑक्सीजन की पूछी है वैल्यू है ना एट इतने पे, तो पीवी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी दे रखी है, पीवी की वैल्यू आपकी दे रखी है, ये तो ऊपर दे ही दिया, पीवी आइडियल गैस का तो दे ही दिया है, 4 एटमोसफियर पर लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेशर 1000 रखना पड़ेगा और ये 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 1000 × 2, तो यहाँ पर वो सॉरी 100 × 0.02 हो गया, तो ये अब आपका हो गया 100 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 2 केवल रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान दो कि पीवी आइडियल गैस का रेशियो आपको निकालना है, रेशियो तो जेड ऑक्सीजन अपॉन जेड आइडियल, जेड आइडियल दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो 2/4, तो यानी कि 4×20 0.5 आना चाहिए, यानी कि रेशियो द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबल फैक्टर फॉर ऑक्सीजन इतने लीटर इज, तो इतना अगर आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में फिर आपका आंसर ये वाला आ जाना चाहिए, सेकंड आंसर जो आपको दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जरा सपोर्ट करिए। टू प्रिपेयर पी टाइप एक्सट्रेंसिक, तो पी टाइप का मतलब है कि अब आप लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी हायर ग्रुप में डाल दीजिए है ना, फ्रॉम द सेमी कंडक्टर फ्रॉम द सिलिकॉन, सिलिकॉन में आप क्या करना, बोरॉन बाल गए इंतजार में, बोरॉन गैलियम इंडियम थैलियम, तो इंडियम डालिए ना सिलिकॉन के अंदर, तो इंडियम पड़ेगा, यानी लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी हायर में पड़ती है, तो सिलिकॉन जो है वो 14 ग्रुप का है, तो आपको इसमें 13 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इंडियम, बाकी ये आपका 17 ग्रुप का है, फॉस्फोरस 15 ग्रुप का है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये 14 का ही है, तो फिर इंडियम ही एक ऑप्शन है जो 13 ग्रुप में आता है, वही आपको डालना चाहिए। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो दे रहा हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन, द
आइगन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द बेस्ड ऑन द श्रोडिंगर कंसेप्ट, है ना, श्रोडिंगर कंसेप्ट। तो ये तो मतलब ये भी गलत हो गया। नहीं तो समस्या तो ये हो गई ना कि एक अगर करेक्ट करेक्ट द सेलेक्ट तो बाकी गलत होने चाहिए ना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डेराइव फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल, तो ये भी आपका ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो डेराइव्ड हुआ है अबव से। उसके बाद क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी एट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इन एन ऑर्बिट कैन बी डिफाइंड प्रिसिजली एंड साइमल्टेनियस, नहीं डिफाइन हो सकती है। तो ये भी आपको गलत स्टेटमेंट मिल गया, ये भी गलत स्टेटमेंट मिल गया। और पाउली, ये तो पाउली इनसे नहीं डेवलप हुआ है। दोनों क्वांटम नंबर के, दोनों चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकती। एन प्लस एल रूल अगर आप देखो तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन होल्स रूल भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल। आइगन फंक्शन नंबर ऑफ द रेडियल नोड्स ना इज एन माइनस एल, ये भी सही जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें तो सही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें आंसर डिफाइंड नहीं है एग्जैक्ट। इसलिए नीचे नोट भी लगा दिया, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्परेंसी इज फाउंड इन द क्वेश्चन आंसर, फुल में मार्किंग इज बिंग अवॉइडेड। तो यहाँ पर अगर ये होता एन प्लस हो जाता, या फिर यहाँ पर ये एक और रॉन्ग करना पड़ता इन्हें, यहाँ पर नॉट लगा देते तो फिर ऊपर वाला सही हो जा, ये नीचे वाला सही हो जाता और ऊपर वाला ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट। तो आपको वेरिएशन दिखाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन फिलहाल हम भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे। विद द रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया, विच सॉल्यूट आर डिफाइंड एज द एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। तो आपको बता देता हूँ, जो NH, जैसे NH4 पॉजिटिव है, ये आपको एक चीज आपको बताऊंगा कि हमेशा जो सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया है उसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड अमोनिया, विच सॉल्यूट कैन बी डिफाइंड एज एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। द सॉल्यूट दैट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ NH2N बढ़ा देता है, ठीक है, एंड डिक्रीज द कंसेंट्रेशन, नहीं दोनों का नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। द सॉल्यूट दैट इंक्रीजेज द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन आर एसिड, ठीक है, एंड दोज विच डिक्रीज, हाँ जो डिक्रीज कर दें वो बेस हो जाएंगे। भाई बेस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन घटाएंगे कब, जब वो एच पॉजिटिव आयन वहाँ से एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। जो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा तो मतलब बेस हो गया, बढ़ाएगा कब, जब वहां से देना शुरू कर देगा तो मतलब और बनना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, एग्जैक्ट है, और मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर एडिशन कंपाउंड दैट डू नॉट गिव ऑल देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस इन द एक्वस स्टेट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयनाइजेशन पूरा नहीं होता, आयंस पूरे नहीं, K4 है, FeCN का होल 6 है, इसको जब आयनाइज करोगे आप तो 4K पॉजिटिव बनेगा और FeCN का होल 6 ऊपर आ जाएगा आपका 4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही है कि आयंस पर, मैंने ये आयन सभी नहीं, सभी इसके अंदर जो आयन है वो सभी नहीं टूटेंगे, ये बिल्कुल 100% राइट है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्राइड डोनर, अब हाइड्राइड डोनर रिड्यूसिंग एजेंट, अब भाई हाइड्राइड कौन कौन दे सकता है, और रिडक्शन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन, अगर एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो फिर आप याद ध्यान दीजिए ये वाला ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्राइड डोनर। तो ये हाइड्राइड डोनर तो है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट भी है, H2PD। अब यहाँ पर BaSO4 अगर नहीं लिखा है तो फिर आंसर रॉन्ग चला जाएगा। H2PdBSO4 जब लिंडलार कैटलिस्ट लगेगा, भाई इससे तो परफेक्ट कन्वर्जन एल्कीन में हो जाएगा। लिक्विड अमोनिया से इसमें कन्वर्जन करोगे तो फिर एल्कीन, अगर एल्काइन है तो एल्कीन सेसोट्रांस वाली कंडीशन तो पैदा होगी, लिक्विड अमोनिया का सेसोट्रांस वाली पैदा होगी। लेकिन ये समस्या ये होती है कि यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन, ये सिंपली हर एल्कीन में अप्लाई नहीं होता, ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पर एल्कीन ये वाला लगना चाहिए तब कंडीशन पैदा होगी, ये वाला लगना चाहिए तब हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है एल्काइन टू एल्कीन की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये दिक्कत करने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये गलत माना गया है क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही कंडीशन आ चुकी है, सिर्फ इसी वजह से कि दो आंसरों में दिक्कत है। चलिए इसके बाद मान लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज इन द सेंसेस, पॉलिस्टर में कौन सा यूज होता है। तो पॉलिस्टर में आज आपको पता है पॉलिस्टर जो होता है एक डेक्रॉन होता है, और ये स्टायरीन, अगर मैं आपसे एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ तो मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लगा रहा हूँ। C6H5 यहाँ पर हो गया आपका, C6H5 हो गया,
और यहाँ पर हो गया आपका ये थोड़ा सा वेरिएशन, यानी सी एच है और फिर आपका डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हो गया। अब इसके आगे इसी तरीके से बॉन्ड जुड़ता चला जाएगा, पॉली यानी स्टायरिन, ये स्टायरिन है और इसी का पॉली स्टायरिन बन जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, स्टायरिन है ना, पॉली स्टायरिन, ऐसे ब्यूनाइल्स भी इसी कंडीशन में बनता है। विच प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे इसको अगर आपको हटाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जनरेट करनी पड़ेगी रिएक्शन, मैं आपको लिख करके बताता हूँ। देखिए एक चीज़ नोटिस करने वाली यहाँ पर ये है, ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिंक। जब ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा भाई, तो फिर आपका ई टी ओ, ये मेलोनिक एस्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सी एच टू दिख ही रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बी आर हो गया। अब आपने क्या काम किया, जिंक के साथ में रिएक्शन कराया, जिंक बी आर टू लेकर के चला गया, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ करके चला गया। तो ये आपका इस कंडीशन में बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई यही है। अब यहाँ पर नेगेटिव आया, ये नेगेटिव क्या करेगा, अगर मैं दिखाता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच, ये हिस्सा यहाँ अटैक कराओगे तो बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो कंडीशन क्या बनी, ये बनी आर सी ओ पे नेगेटिव आ गया, नीचे एच लगा हुआ है, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी ए सी एच टू हो ही गया ये वाला, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका ओ सी टू एच फाइव हो गया। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं, एच ओ एच डाल दूं, तो एच यहाँ जुड़ी जाएगा, तो मतलब ये सिंपल सा प्रोडक्ट हमें ये वाला मिलेगा। देखो आर हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर ओ एच हो गया, यहाँ पर यू हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हुआ, और यहाँ पर ओ सी टू एच फाइव हो गया। तो ये वाला फैक्टर हमें यहाँ पर काम करेगा, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद चले आइए, कह रहा है कि द मुलिकन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज दे रखी हैं सभी की, तो आप ध्यान रखो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हार्ड है, एक सिंपल सा फंडा हार्ड है, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो सॉफ्ट हो गया। तो इसमें अब आप हार्ड किसका हो गया, एल्यूमिनियम का, सॉफ्ट किसका हो गया, पोटेशियम का, तो आंसर आप लगा लीजिए, ये वाला आंसर आपको मिल गया खट से। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अनुसर का दिमाग लगाइए, सिलेक्शन हो जाएगा, वरना ऐसे ही बहस करते रहोगे कि ये सर कैसे हैं, वो सर कैसे हैं, उन सर के क्वेश्चन अच्छे हैं, थोड़े क्वेश्चन कठिन दीजिए, थोड़े क्वेश्चन सरल दीजिए, इसमें कौन से यार कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनऑर्गेनिक पॉलीमर इज नॉट ट्रू, इनऑर्गेनिक पॉलीमर में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि द सिलिकॉन पॉलीमर इज हाईली स्टेबल होना चाहिए टूवर्ड्स हीट, तो ये हाईली स्टेबल नहीं, अनस्टेबल, यही स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है, मतलब आंसर भी फिर यही हो जाता है। देखो एक से मेरे जितनी भी सीरीज अगर आप कर लोगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मोर देन वन पीक इन द प्रोटॉन, अरे एक ही, एक से ज़्यादा पीक कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, एनएमआर सिग्नल का क्वेश्चन 100%, तो यहाँ पर केवल एक ही। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मोर देन वन, तो एक तो ये सब एक ही कैटेगरी हो गए और एक अलग हो गया, तो यहाँ पर दो एनएमआर सिग्नल मिलेंगे आपको, टू एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन में जब चलोगे तो 1,2-डाइ 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन में फिर वेरिएशन आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है इसमें एक्चुअल में क्या है कि कायदे में एसीटोन जो है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो एसीटोन के अंदर जो है केवल एक ही एटमोसफियर है, तो इसमें एक ही मिलेंगे, एक ही टाइप के मिलेंगे। तो अब समस्या ये आ रही है कि इसमें मोर देन वन वाले में तीन दे दिए, और एक वाला तो ऑप्शन, अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो वन पीक, तो फिर आंसर ये हो जाता है आपका ये वाला, अदरवाइज दिक्कत है, इसीलिए इसमें नीचे इन्होंने कन्फ्यूजेशन में डाल दिया कि भैया ये क्वेश्चन गलत हो गया, सबको नंबर दे देंगे, बांटेंगे। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द एल्केन हैविंग मॉलिकुलर 156, तो 156 में कितने कार्बन है, आप सी एन एच टू एन प्लस टू निकाल दो, एल्केन है ना, अब 156 कैसे आए, तो 156 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्बन कितने लेने पड़ेंगे, कार्बन आपको ये करके रख लीजिए, यहाँ पर दिखाई रहा है ना, दिखाई रहा है, तो 10 रख के देखो, तो यहाँ सी टेन हो गया, यानी कि सी टेन हो गया, और आपका 10 × 20 और 2 × 22 एच 22 हो गया, तो ये 6 × 60 हो गया, और 20 × 60 मॉलिकुलर, सॉरी 12 × 120 हो गया, 120 प्लस 22 तो 12 × 120 प्लस 22 तो 144 हुआ ये केवल। क्या टोटल नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन एल्केन हैविंग मॉलिकुलर वेट, दस दूनी 20 और 2 × 22 सही लिख रहा हूँ, और 12 होता है कार्बन का, 12 × 120 144 ही हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं, 10 तो नहीं हो सकता, 11 रख के देखो भाई, 11 दशमलव 110 हो गया, नहीं
कितना हो गया, 11 गया, 1 कम 11 110 हुआ, 12 1 कम 12 120 हुआ, 12 से तो आ नहीं, 10 से तो आ नहीं रहा, 10 रख रहा, 10 10 10 10 ये तो 100 हुआ ना, C10 नहीं 12 हुआ ना, तो 12 11, अच्छा सॉरी 12 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा इंटरप्शन आपके लिए परेशान किया मैंने, यहाँ C10 रखेंगे तो ये 120 हो जाएगा और यहाँ प्लस आपका हो जाएगा 22, तो ये 144 हो गया, मतलब सी में 10 वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। इसके बाद 11 रख लेते हैं, 11 रखेंगे तो 11 12 गया, 12 इंटू 11 करिए तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, 132 हो गया, और 32 और 11 दूनी 22 और 2 24, 24 रखिए, 4 2 6 हो गया, 5 यही आएगा, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है। एक एक करके 10 से रखना शुरू करिए, जहाँ पर भी आंसर आए वहीं टिक करिए, लेकिन मिनिमम से रखना शुरू करिएगा तभी फायदा मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द एटम्स अपोजिट चार्जेस, कोई भी बता देगा, आयनिक बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। 59 60 पर जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहती है कि दो अटैक जो होता है, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पर द कैटलिस्ट इज ड्यू टू एनेबल टू रेट अप नहीं होगा, द कैटलिस्ट इज एबल टू चेंज द इक्विलिब्रियम नहीं, अ कैटलिस्ट इज एबल टू चेंज द रेट ऑफ फॉरवर्ड, यानी कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि कैटलिस्ट रिगार्डिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड में बराबर हो जाएगा, अ कैटलिस्ट इज एबल टू चेंज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट एबल टू चेंज द रेट ऑफ ओनली बैकवर्ड इज तो पॉसिबल, दोनों चेंज करेगा तो यानी कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई अगर फॉरवर्ड जितनी बढ़ाएगा उतनी ही बैकवर्ड बढ़ाएगा, तो ओवरऑल तो नेट रह जाएगी, तो फिर आंसर तो यही हुआ ना। तो ये मैंने आपको 60 क्वेश्चन की पूरी कंसेप्ट दी, यानी कि हमने आपको 25 से आज 60, 26 से आज 60 क्वेश्चन करवाए हैं, और अगर ऐसी वीडियो आप रिमेनिंग 60 से 150 तक चाहिए तो इस वीडियो पर कम से कम 25 कमेंट डाल दो, मान जाऊंगा कि आप रिक्वायर्ड हो, अदरवाइज मान लूंगा कि आप केवल अपना मतलब निकालते हो, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला टीचर आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप इसे लाइक करो या अनलाइक कर दो, मतलब इस बात से नहीं, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें जो लोग केवल मतलब के लिए देखते हैं, जो सिलेक्शन के लिए देखते हैं वही लोग देखें। मैंने इससे पहले वाली वीडियो का सॉल्यूशन भी आपके पास डाला है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व डाला है झारखंड का, अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, और जहां भी रहिए खुश रहिए बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके फिर मिलूंगा, अगर आपने मेरे इस वीडियो को सराहा और कमेंट दिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।